ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ತೌಸಿ बीजापुर शहर में महानगर पालिका चुनाव के चलते वार्ड नंबर 28 के जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार सैयद एजाज अहमद मकबिल उनके घर वालों ने एक शानदार रैली निकालकर नाम पत्र दिया। इसी के चलते हमारे माध्यम से सैयद एजाज अहमद मकबिल और सकलैन ने बात करते हुए जानकारी दी। तारीकी शहर के तमाम लोगों का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। आज शहर बीजापुर में वार्ड नंबर 28 से जेडीएस के उम्मीदवार होते हुए मैं अपना नॉमिनेशन भरा हूं और मेरी आप तमाम लोगों से उम्मीद है और अल्लाह ताला पे भी उम्मीद है। वार्ड नंबर 28 के लोग और तमाम बीजापुर के लोग मेरे लिए दुआ करेंगे और मैं आपके सामने आपकी खिदमत में जीत के और वार्ड नंबर 28 में पिछले 3-4 साल से मैं लगातार काम करते रहा हूँ। इसलिए जो चीज़ बीजापुर शहर में वार्ड नंबर 28 को जो चीज़ मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले, इसलिए मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार मेंटेनेंस का काम और रोड का ड्रेनेज गटर ये सब तमाम चीज़ें की बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मैं ठहर रहा हूँ। आप तमाम लोगों की दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। वार्ड नंबर 28 में आज के जो हालात हैं तमाम बीजापुर लोग होंगे और वार्ड नंबर 28 के लोग होंगे देखें, आने वाले दिन बीजापुर शहर में जो इतिहास रचने वाला काम है वो जो वार्ड नंबर 28 में होने वाला है और वार्ड नंबर 28 के तमाम बुज़ुर्ग नौजवान छोटे बच्चे तमाम लोगों की मुझे बहुत दुआ मिलने वाली है और इंशाल्लाह मैं जीत को भी आता हूँ और वार्ड नंबर 28 में जो है ना स्मार्ट वार्ड बनाता हूँ वार्ड नंबर 28 का, इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो। ये वार्ड नंबर 28 के कैंडिडेट का नाम है मुकबिल एजाज अहमद महर निगार। अस्सलाम वालेकुम। तारीकी शहर बीजापुर में वार्ड नंबर 28 के कैंडिडेट सैयद एजाज अहमद मुकबिल जेडीएस पार्टी से इलेक्शन ठहरे हुए हैं। ये पिछले 5-6 सालों से वार्ड में लगातार काम करते हुए आए हैं। वार्ड की जनता से गुजारिश है कि इन्हीं को वोट दे, क्योंकि इन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है, जैसे कि रोड हो, गटार हो, चेंबर है। बारिश आया तो खुद ये चेंबर में हाथ डाल के साफ करते हैं। जनता से यही गुजारिश है कि इन्हीं को वोट दे। मैं वार्ड के जनता से अपील करता हूँ कि मुकबिल साहब को ही वोट दे, क्योंकि डेवलपमेंट का दूसरा नाम ही मुकबिल साहब हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम भी किए हैं। सिर पे पत्थर लेके 8 लाख रुपए अपने वार्ड के लिए सैंक्शन करवाए, वो भी बिना अधिकार में रहते हुए। अगर अधिकार में आए तो क्या कुछ नहीं करते, आप सोचिए। बेहतरीन से बेहतरीन वार्ड होगा और वार्ड नंबर 28 में मुकबिल साहब आए तो इतिहास रचते हैं पूरे बीजापुर में। मेरा नाम सकलेन पटेल। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793। जीडीएस पक्ष के।
इलेक्टेड। अभिनव चव्हाण अवरिगे जयोरिगे। न्यू टाइकॉन अभिनव चव्हाण अवरिगे जयोरिगे। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.